अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रहमान रजा। आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन दी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आपको आज की इस वीडियो में कैन मास्टर से स्टेटस बनाना बताऊंगा कि आप कैन मास्टर से कैसे स्टेटस बना सकते हैं, वो भी उर्दू लिरिक्स में और न्यू इफेक्ट के साथ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कैन मास्टर को ओपन करना है। ये प्लस वाले ऑप्शन पर आपने आना है। 16:9 वाला आपने ये साइज़ लेना है आपने, ठीक है। तो 16:9 वाला हम साइज़ ले लेते हैं। तो फिर आपने 16:9 साइज़ लेने के बाद आपने मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है। वो बैकग्राउंड वो लेकर आना है जो आपने अपने इस वीडियो के बैकग्राउंड में लगाना है। मसलन लगाना है अपने, वो आपने बैकग्राउंड लेकर आना है। तो हम मीडिया वाले ऑप्शन से अपना बैकग्राउंड ले आते हैं। तो ये मैं बैकग्राउंड में एक वीडियो ले आता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो का जो साउंड है वो मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम म्यूट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपने इसमें ऑडियो ऐड करना है, जो अपना सॉन्ग ऐड करना है जिस पर आपने लिरिक्स लिखने हैं। तो वो मैं अपना ऑडियो तो मेरे पास नहीं है, तो मैं लेयर पर जाता हूँ, मीडिया पर जाकर अपना वो साउंड ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कैंची वाले ऑप्शन पर जाके एक्सट्रैक्ट ऑडियो को करके इधर से मैं वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस, इसकी मैं वॉइस को जो ऑफ कर लेता हूँ तो कॉपीराइट इशू आ जाता है यार, तो इसलिए इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो आपने लेयर पर जाना है और आपने इधर आ जाना है, हैंड राइटिंग पर आना है। हैंड राइटिंग पर आने के बाद आपने इधर ये डब्बे वाला है जो इसका साइज़ आपने ये ले लेना है, ठीक है। वो इधर से कलर है जो इसका वाइट का रख लेना है। रखने के बाद आपने इधर से इसको ड्रा करना है, ऐसे ड्रा करने के बाद ऐसे इसको डन कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इधर उधर से बंद कर दीजिए और इसको खींच कर आपने बड़ा कर लेना है, ठीक है। बड़ा करने के बाद हमने इधर से डन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है डन। तो इधर हमने अब लिरिक्स लिखने हैं, ठीक है। तो लिरिक्स हम लिखते हैं, सबसे पहले आपने जाना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद तो आपने अपना उर्दू वाला कीबोर्ड है जो सिलेक्ट कर लेना है। इजी उर्दू मैं कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने इधर से अपने लिरिक्स लिखने हैं, ठीक है। तो यार वैसे ही मैं इधर से कोई लिख लेता हूँ, उर्दू में कुछ भी लिखता हूँ। तो ये मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो लिखने के बाद इसका आपने साइज़ को कर लेना है बड़ा। बड़ा रखने के बाद इधर से आपने ये दो मरतबा ए लिखा है, इधर आना है अपने लतीन में आ जाना है, ठीक है। तो इसमें अपने उर्दू फॉन्ट आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो गाइस, आपको अगर कैन मास्टर में आपको उर्दू फॉन्ट ऐड करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में नीचे बता दें, ठीक है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपने उर्दू फॉन्ट कैसे ऐड करना है कैन मास्टर में, ठीक है। तो आप उर्दू फॉन्ट कैन मास्टर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो इसको आपने खींच कर आपने फुल कर देना है, ठीक है, जहाँ तक आपका सॉन्ग होगा, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको बार बार एनिमेशन नहीं लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो इधर हम इन एनिमेशन पर जाएंगे। इन एनिमेशन पर जाने के बाद आपने आ जाना है वाइप लेफ्ट पर। तो वाइप लेफ्ट पर आने के बाद आपने 0.5 पर कर देना है, ठीक है। और आउट एनिमेशन में आपने आना है, ठीक है। आने के बाद आपने जो वाइप राइट कर देना है, ठीक है, 0.5 पर। तो करने के बाद इधर आपने एक मरतबा इसको चला कर देख लें। तो इधर से आपने अपना सॉन्ग है जो चला कर देख लेना है इसको, जहाँ तक आपका जो लिरिक्स लिखा हुआ है आपने वहाँ तक अपने रखना है, ठीक है। तो हमारा इधर तक लिरिक्स इधर तक लिखा हुआ, तो हम दोबारा टेक्स्ट को करेंगे क्लिक और इधर कैंची वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इधर इसको स्प्लैट एट प्लेवुड कर देंगे, ठीक है। तो करने के बाद हमारे ये इसके दो टोटे हो जाएंगे, ठीक है।
तो इधर हमको दोबारा एनिमेशन नहीं लगाना पड़ेगा, हम दोबारा इधर आते हैं कीबोर्ड वाले ऑप्शन में, ठीक है। आने के बाद इधर से हम दोबारा अपना जो लिरिक्स है उसको लिख लेते हैं। तो ये हम लिरिक्स हमने लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिरिक्स एक मरतबा लिखा गया, ठीक है। तो दोबारा इससे ये होगा हमें स्प्लिट करने का, इसका ये फ़ायदा है कि हमें बार बार इस पर एनिमेशन नहीं लगाना पड़ता। तो इसको हमने एक मरतबा फिर चला कर देख लें, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। तो ये देखें हमें दोबारा नहीं लगाना पड़ा। तो हम इधर से स्प्लिट इसको एक मरतबा फिर कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद हम इधर से फिर ठीक है, तो ये हमारा लिरिक्स आ गया एक मरतबा फिर। तो हम इसको भी आगे थोड़ा सा करके इधर से स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद आप एक मरतबा चला कर एक मरतबा देखें तो आपका जो हाफ स्टेटस है वो आपका एडिट हो चुका है, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और आगे आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने दोबारा टेक्स्ट पर आना है, टेक्स्ट में आने के बाद इंग्लिश में आना है आपने, ठीक है। जो आपका इंस्टाग्राम या यूट्यूब का जो आप जो भी आपका वो यूज़र नेम है आपने वो लिख लेना है, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है रहमान राइट्स 09, ठीक है। तो आपने अपना यूज़र नेम लिख लेना है। यूज़र नेम लिखने के बाद आपने टेक्स्ट पर आना है दोबारा। टेक्स्ट में आने के बाद आपने इधर से ये आपने जो आपको आपका अच्छा लगता है फ़ोन आपने वो लगा देना है, ठीक है। अपना यूज़र नेम आपने इधर रख लेना है, ठीक है। तो इसका आपने साइज है जो उसका आपने फुल कर देना है, ठीक है। जहाँ तक आपका गाना है वहाँ तक आपने सॉन्ग इसको स्टेटस है आपने वहाँ तक आपने रख लेना है, ठीक है। रखने के बाद आपने दोबारा लिरिक्स में आना है, ठीक, टेक्स्ट में आना है। लिखने के बाद आपने दोबारा अपना टेक्स्ट है जो उसको ऐड कर ले, या आपने लिखना है तो लिख ले, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, सॉरी रहमान राइट्स। तो ये हमारे चैनल का जो नाम है वो आ गया है, ठीक है। तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम इसको इसमें हमें इधर से हम फॉन्ट लगा देते हैं। फॉन्ट लगाने के बाद तो आप इसको इधर रख लें। रखने के बाद इसका साइज है जो फुल कर लीजिए आप, जहाँ तक आपने रखना है इसका साइज आपने रख लेना है इधर से, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के बाद आपने इधर चाबी वाले ऑप्शन पर आना है। चाबी वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसको आपने लास्ट पर कर देना है और इधर प्लस वाला लगाकर इसको आपने उठाकर इधर आपने दे देना है, ठीक है। देने के बाद आपने इधर लास्ट पर वीडियो के दोबारा शुरू पर आ जाना है। आपने अपना स्टेटस चला कर देखना तो आपका स्टेटस बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो ये हमारा जो रहमान राइट्स है ये आस्ता आस्ता चलता चलता इधर आएगा, ठीक है ना। तो हमारा स्टेटस अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की जो वीडियो, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो इधर से आपने आना है शेयर वाले ऑप्शन पर आकर 720 पर आप 720 पर आपने सेव करना तो कर सकते हैं, और 1440 पर भी आप सेव कर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उर्दू फॉन्ट वाला कैन मास्टर चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको उर्दू फॉन्ट वाला कैन मास्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो